अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अलग सी और किसी की फरमाइश पर बनारसी पुलाव बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बहुत फरमाइश आ रही थी कि आप हमारे लिए बनारसी पुलाव बिरयानी बनाएं, तो मैंने सोचा मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूँ। और बकरीद भी आ रही है, तो इस बिरयानी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जब आप ये वाली बिरयानी खाएंगे तो आप और बिरयानी खाना भूल जाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें। तो आए बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मेरे पास मीट है, बीफ का गोश्त है, आप मटन में भी बना सकते हैं। चिकन के थोड़ा अलग तरीका है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी चिकन की बनारसी बिरयानी बनाना। और यहाँ पे मेरे पास साबुत कुछ प्याज है, अदरक का तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा है, और यहाँ पर मेरे पास साबुत लहसुन के जवे हैं, हरी मिर्चें हैं, काला ज़ीरा है और बादियान के फूल हैं। तो सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास साबित गरम मसाले हैं। साबित गरम मसाले में जो जो चीज़ें होती हैं वही दालचीनी, लौंग, काली इलायची और बड़ी इलायची, हरी इलायची, ये सब यूज़ कर लीजिएगा। जावित्री, जायफल, सब थोड़ी थोड़ी सी ले लीजिएगा। मैंने जितना लिया बस उतना ही बहुत है। तो सबसे पहले पानी उबलने के लिए रख दिया था मैंने, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है गोश्त को, और बाकी सारे मसाले जो हैं खड़े खड़े हम ऐड कर देंगे। और सबसे पहले जो है आपको इसमें ऐड करना है ये सब मसाले, और ये सारे गरम मसाले ऐड कर दिए हैं तो इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। उबाल आ जाए तो बाकी चीज़ हम इसमें फिर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो हम मसाला तैयार कर लेंगे पुलाव बिरयानी का, क्योंकि इसके मसाले थोड़े अलग होते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 बड़ी इलायची है और तकरीबन 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 2 से 3 तेज़पत्ते हैं, और दालचीनी है मेरे पास तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, और मेरे पास 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा दोनों हैं यानी शाह ज़ीरा, और इसी के साथ मेरे पास है यहाँ पे बादियान के फूल, और जो है यहाँ पे मेरे पास 5-10 से 12 हरी इलायची और 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद पेपर है। सारा जायका जो है इन सफ़ेद मिर्चों का आएगा इसके अंदर। और यहाँ पे मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून धनिया साबुत और 1 टेबल स्पून सौंफ है। इन सब मसालों को मैं ग्राइंड कर लूँगी, रोस्ट नहीं करना है, सिंपली ग्राइंड करना है, और इसको साइड पे रख देंगे। तो इसमें देखें उबाल आ चुका है, तो मैं इसमें अब ऐड करूँगी सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमने ऐड नहीं किया था, यखनी में सॉल्ट ऐड करना ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी तेज़पत्ते भी तकरीबन 2 से 3 अदद, ताकि फ़्लेवर अच्छा आ जाए। और सॉल्ट में ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून, आप अपने हसब ज़रूरत थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं करिएगा, मसाले में भी करेंगे और गोश्त गल जाने तक यखनी तैयार कर लेंगे। आप कुकर में बना रहे हैं तो आपका जल्दी गोश्त गल जाएगा, तो पर मैं यखनी बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने जो है इसको कुकर के बगैर गलाया है, ताकि यखनी हमारी बहुत अच्छी तरीके से हो और एक एक फ्लेवर निकल के मसाले का आ जाए। तकरीबन मुझे 40 से 45 मिनट लगे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करने में, और बिल्कुल जो है मैंने गोश्त अलग कर लिया है, यखनी के जितने भी मसाले थे वो सब मैंने छान के हटा दिए हैं, सिर्फ यखनी मेरे पास थे। और यहाँ पर मैंने एक ले लिया है विसल, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप ऑयल, आप घी में बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है घी में। अनियन ऐड करूँगी इसमें मैं, तकरीबन मीडियम साइज़ की है मेरे पास 3 से 4 अदद, थोड़ी सी जो है ज़्यादा डलती है क्योंकि बिरयानी में हम जो है ऊपर से भी डालेंगे इसमें अनियन को। और मैं आपके साथ कह रही थी कि मैं आपके साथ चिकन की बिरयानी शेयर करूँगी, थोड़ा उसका तरीका अलग है, बहुत मज़ेदार सी बनती है, क्योंकि कुछ लोग जो है मीट और खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो चिकन पसंद करते हैं, तो उनके लिए चिकन की बिरयानी भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें मैंने प्याज फ्राई कर लिए और हाफ मैंने निकाली, बस थोड़ी सी मैंने इसी में रहने दिए, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और मीडियम टू लो फ्लेम पे सारा काम करना है आपको, मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। कड़ी पत्ते ऐड कर हैं इसमें तकरीबन, आप जितना पसंद करते हो उतना ऐड कर लीजिएगा, मैंने तो तकरीबन 10 से 15 ऐड कर दिए हैं। इसमें मैंने गोश्त जो बॉईल किया है तकरीबन 90% मेरा गोश्त बिल्कुल डन है, बाकी हम अभी मसाला भुनेंगे तो उसमें ये हमारा कुक हो जाएगा। हरी मिर्चें मेरे पास तकरीबन 6 से 7 अदद है, छोटी सी थी, और बाकी हमने कोई मिर्चें ऐड नहीं करनी है लाल, इसलिए जो है हरी मिर्चें इसमें ऐड होंगी। और अच्छी तरह से हल्का हल्का भुनाई करते जाएंगे, मसाले डालते जाएंगे, मसाले बस इसमें डलते जाते हैं। और इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर कट करके, इसमें तकरीबन 4 से 5 मैंने टमाटर ऐड किए। जब आप ये बिरयानी बनाएंगे ना आप खुद कहेंगे कि इतनी ज़बरदस्त बिरयानी, ये पुलाव बिरयानी बनकर तैयार हुई है,
बहुत ही मशहूर है बनारस की ये पुलाव बिरयानी, आप इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो मैंने जो मसाला पीस के रखा था ना, तकरीबन ये मेरे पास 5 to 6 टेबल स्पून था, मैंने सारा ऐड कर दिया। मैंने थोड़ा रख लिया था पर मैंने बाद में चेक किया तो मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने सारा ही ऐड कर दिया। जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल के साथ मैं बना रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट थी। ना मसाला ज़्यादा था ना कम था, बिल्कुल लेवल बहुत अच्छा था। इस मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो मैंने इसमें मैंगो पिकल भी ऐड किया है, आपके पास मिक्स अचार है आप मिक्स ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने इसमें तकरीबन 2-3 टेबल स्पून अचार ऐड किया है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ योगर्ट, दही फेंट के ऐड किया है, थोड़ा सा दही लगा हुआ था प्याले में, तो मैंने यखनी के साथ वो भी इसी में ऐड कर दिया है। ज़ाया नहीं करेंगे कुछ भी चीज़, और अच्छी तरह से भुनाई करेंगे क्योंकि हमने दही ऐड किया है, अभी हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाना चाहिए। और अचार आप इसमें ऐड करेंगे तो इससे फ्लेवर इतना अच्छा आता है, इन्हेंस हो जाता है बिरयानी का फ्लेवर। और इसमें अचार ज़रूर डलता है क्योंकि बनारसी बिरयानी बना रहे हैं हम। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें और ऐड कर दिया है नमक। तो मसाला भुनने के लिए मैंने रख दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो इसको हम एक दफ़ा और चला लेंगे और इसमें हम यखनी ऐड करेंगे जो हमने यखनी बनाई थी। यखनी और सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे हम हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ देखें कसूरी मेथी ज़रूर से ऐड करिएगा, 1 टेबल स्पून ऐड कर दी है मैंने। बाकी मैंने इसमें अभी स्टॉक ऐड कर दिया है, बाकी मैंने रख लिया है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसमें उबाल आने के लिए मैंने रख दिया था, इसमें उबाल आ चुका है तो मैंने जो है बासमती राइस भिगो के रख दिया था तकरीबन आधा घंटे के लिए। ये भीग चुके हैं बहुत अच्छे से, मैं 1 kg इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें कम यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन आप अगर 1 किलो गोश्त बना रहे हैं तो आप इसमें 750 ग्राम या 700 या 8 ग्राम आप इसमें चावल ऐड कर सकते हैं, पर मैं 1 kg राइस और 1 kg जो है गोश्त से बना रही हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट बना था, कोई चीज़ की कमी नहीं हुई थी, हर चीज़ लेवल की थी, मसाले बिल्कुल लेवल के थे, ना ज़्यादा थे ना तेज़ थे। अगर आप इसमें ज़रा से भी तेज़ करते हैं ना मसाला तो बहुत ज़्यादा जो है फिर जलन सी होती है खाने में। बिल्कुल आप इसमें ना मसाले तेज़ नहीं करिएगा, परफेक्ट आप मसाले इसमें रखिएगा। और इसमें मैंने ऐड कर दी है ये तली हुई प्याज, जिससे फ्लेवर तो इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ देखें पानी इसका ना सूख चुका है, तो मैंने क्या किया थोड़ा सा पानी बाकी है और तकरीबन हमारे जो है 85% हमारे चावल कुक हो चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो पानी है ना मैं दम पे रख दूंगी, उसी के अंदर हमारे चावल जो है कुक हो जाएंगे। और इसको मैं 15 मिनट के लिए दम दूंगी, उसके बाद मैं 15 मिनट इसको इसी की ही दम में छोड़ दूंगी ताकि जो है हमारे चावल खिले खिले बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से जो है मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम दिया था, 15 मिनट मैंने इसको इसी में ही कवर रहने दिया ताकि हमारे चावल सेट हो जाए और जब हम इसको निकालें तो एक एक दाना खिला खिला सा बने। तो यहाँ देखें बहुत ही मज़ेदार सी और कलरफुल से हमारी बिरयानी तैयार है। आप अगर इसको एक दिन भी रखते हैं ना बिरयानी को, अगले दिन भी आप इसको खाएंगे ना तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इसका जायका ख़राब हो गया है, और बिरयानी का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पर मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इसको अगले दिन भी खाएंगे ना तो बिल्कुल इसका जायका वैसे का वैसा ही रहेगा, और बल्कि मुझे तो लगता है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ये बिरयानी बनकर तैयार हुई थी और बहुत ही अलग सी बिरयानी है, बकरा ईद स्पेशल। आप ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करिएगा, पुलाव बिरयानी बनारसी। तो आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी और कलरफुल, और इसके मसाले तो इतने मज़ेदार थे ना मैं आपको क्या बताऊँ। जब तक आपको ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आप ये इसे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।